नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये जनरल एग्जामिनेशन पार्ट से में. और पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एस और एनवायरमेंटल साइंस के जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट

और ये सब क्या होते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्योंकि समझना जरूरी है ताकि आगे एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो मिलता जुलता तो आप आंसर कर सके देखिए ये ऑक्सबो लेक है ये जो गोल ओ शेप का आपको लेक दिख रहा है ये ऑक्सबो लेक है नदी ऐसे आई बीच पे ऊंची जमीन थी तो पानी ऊपर नहीं चढ़ सका तो पानी ऐसे ऊंची जमीन के इर्द गिर्द होके ये एक झील बनाता है इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं ऑक्सबो लेक मतलब ओ शेप का एक लेक बन जाती है लेवी का मतलब होता है ऊंचाई तो उसको बना देते हैं आप और ये ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर होता है ठीक है लेवी नदी के किनारे ऊंचाई कर देना तो ठीक है फ्लड प्लेन क्या होता है फ्लड प्लेन ये होता है कि नदी ऐसे आई और यहाँ पे जब नदी में बाढ़ आएगी तो उसका पानी इधर उधर जाएगा और यही फ्लड प्लेन होता है और नदी का बाढ़ का पानी जब हट जाता है रिसीड कर जाता है तो यही फ्लड प्लेन बहुत ही उपजाऊ खेती की जमीन होती है ठीक है तो ऑक्सबो लेक लेवीज और फ्लड प्लेन तीनों आप समझ गए और मियांडरिंग ये होता है नदी ये आई है समतल जमीन है और उस पर समतल जमीन पे नदी आराम से घुमाऊदार क्योंकि फैले हुआ फैली हुई जमीन उसको मिलती है तो इस तरह से सांप की तरह शेप बनाती है इसी को जो सांप की तरह जो शेप बना रही है इसी को मियांडरिंग कहते हैं दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ तो मियांडर्स कहते हैं इसको ठीक है समझ समझिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू मैच द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स विद देयर लोकेशंस तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स है बालको है आई एस को है एन एफ एल है और आईसीएफ है पहले हम जानते हैं कि ये सबका फुल फॉर्म क्या होता है तो बालको का फुल फॉर्म होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ठीक और आई का, का फुल फॉर्म होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी एनएफएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब ये रेलवे की बॉगी बनाती है तो अब बालको हम सब जानते हैं बालको कहा है बालको है कोरबा में तो सही उत्तर होगा सी बाल को कोरबा में है वन को हमको सी से मिलाना है तो वन को देखिए कहाँ सी से मिलाया है टू में और थ्री में और टू को हमको ए से मिलाना है बर्नपुर में है इसको ठीक है तो टू को ए से मिलाया और थ्री को हमको डी से मिलाना है एन है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है भटिंडा में पंजाब में तो एन एफ थ्री को डी से मिलाना है और फाइनली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में तो ये ऐसे वन का सी टू का ए थ्री का डी और फोर का भी ऐसे मिल गया ठीक है थीके? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस तो ऑप्शन भी सही है पर थ्री और फोर ये सिर्फ थ्री में ही सही है ठीक है तो इस तरह के कौन से फैक्टर कहाँ ये आपको रटना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म का सही केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सी एच सी एल थ्री हम सब जानते हैं बहुत ही आसानी से एक कार्बन है उसके उसके ऊपर एक हाइड्रोजन और तीन क्लोरिन का आटम लगा होता है, होता है CHCl3. Four, तो हवा में का क्या है वही ट्वेंटी वन ही होगा तो ये ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है ये तो हम सब जानते हैं आसान से सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशनिक क्रस्ट होता है जो क्रस्ट जो अर्थ का क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं और जो अर्थ का क्रस्ट ओशंस के नीचे है उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एवरेज थिकनेस क्या है तीन सौ किलोमीटर नहीं पांच किलोमीटर तीस किलोमीटर या टू पॉइंट फाइव किलोमीटर सही उत्तर है तीस किलोमीटर एवरेज थिकनेस मतलब कहीं पर वो सौ किलोमीटर भी हो सकता है कहीं पर वो दस किलोमीटर भी हो सकता है पर एवरेज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस थर्टी किलोमीटर ठीक है In जनगणना जो होती है दस सालों में एक बार होती है और इसमें कितने लोग रहते हैं कितने लोग नौकरी करते हैं कितने लोग बिजनेस करते हैं कितने बच्चे पैदा हुए कितने लोग मरे कितने घर हैं क्या इनकम है हर एक आदमी से संबंधित सारा डेटा इस सेंसस में इकट्ठा किया जाता है और इसी सेंसस के आ,

एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी बॉडी में एक फॉल्स कैविटी होती है तो एनसाइक्लोस्टोमा एस्केरिजेरिया ये सारे तो कीड़े मकोड़े हैं तो ये तो नहीं होगा जो स... नहीं है सूडोकोलोमेट जिनको नहीं है बॉडी कैविटी जो कीड़ा नहीं है वो क्या है स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू बिच्छू इनमें से नहीं है ठीक है Question number eight, what kind of forces arise from transient dipole dipoles in atoms that induce transient dipoles in nearby atoms produce an attractive force and are significant only over short distances that is 500 picometer. Dipole-dipole okay? forces, London dispersion forces, dipole-induced dipole forces or hydrogen bond.

टेंरी फोर्स है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है तो वो क्या होता है एक्जेक्टली exactly? ये देखिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हेलियम तो कभी इस तरफ हेलियम में दो इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है और इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर नेगेटिव हो जाएगा एटम और इधर पॉजिटिव हो जाएगा एटम और नेबरिंग जो हेलियम एटम है उसमें जब ये नेगेटिव चार्ज है एक तरफ और उस पॉजिटिव है एक तरफ तो इस हेलियम एटम का पॉजिटिव और दूसरे हेलियोमैटम का नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं यही होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर केमिकल ऑफ क्विक लाइम इज क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मुला क्या है CaO, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट सी को कहते हैं लाइमस्टोन और ये बहुत हार्ड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ट लाइम एस एल ए के ईडी स्लेक्ट लाइम और ये सीओ टू है तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्विक लाइम होता है सीएओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम ओके आखिरी सवाल वट इज दूनिट ऑफ वर्क डन वर्क डन का यूनिट क्या होता है पावर का यूनिट होता है पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम तो ये वर्क डन नहीं होगा डेसिबल डेसिबल साउंड का यूनिट होता है एमपेयर एमपेयर करंट का यूनिट होता है वर्क डन का यूनिट होता है जूल एनर्जी और वर्क डन दोनों का सेम ही यूनिट होता है बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन तो जूल होता है उसके उसका ठीक है आज के लिए इतना ही इस प्रैक्टिस टेस्ट में मैं आ, की सीरीज में मैं और प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊंगी तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम और अगर आपको और कोई जरूरत है इस एग्जाम से संबंधित तो प्रैक्ट तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं